नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo V29 Pro 5G वर्सेस Vivo V30 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो V29 Pro 5G में 6.46 इंच जबकि V30 Pro 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो V29 Pro 5G में 2.93 इंच जबकि V30 Pro 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 188 ग्राम वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही एमोलेड की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1260x2800px FHD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो V29 Pro 5G में 90.89% जबकि V30 Pro 5G में 89.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 453 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो V29 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और V30 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो V29 Pro 5G में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और V30 Pro 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो V29 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और V30 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 4 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G610MC6 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Dimensity 8200Z मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो V29 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि V30 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB 512GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो V29 Pro 5G में Android V13 जबकि V30 Pro 5G में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी V29 Pro 5G में 4600 mAh जबकि V30 Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो V29 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीज़
12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें V30 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 40,300 रुपीस, 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 46,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo V29 Pro 5G में 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo V30 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X100 Pro 5G है, दूसरा Samsung Galaxy S23 FE 5G है, तीसरा Oppo Reno 11 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 Pro Plus 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।